तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। मेरी एक फ्रेंड ने बॉम्बे जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। हाँ तो? तो क्या तो वो हमारे साथ रहेगी कुछ दिन? हमारे? हाँ हमारे घर। हाँ हमारे साथ। प्रिया तुम्हें मालूम है तुम कॉल सेंटर में जॉब करती हो और मेरी ऑफिस का टाइम नहीं होता है। नो नॉट पॉसिबल, दैट इज न्यू बायोलॉजी। राहुल हफ्ते 10 दिन की बात है, मान जाओ, जैसे जाओ लगेगा कहीं घर ले लेगी वो। प्लीज ओके ओके, लेकिन सिर्फ हफ्ते 10 दिन। पक्का वाला? ओके। यार मैं लास्ट मंथ का मैंने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था ना, वो क्लाइंट को बहुत पसंद आया। इवन मैंने उसको ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छे तरीके से किया, तो सीरियसली बस। राहुल आ गए आप? आ गया। ये मेरी दोस्त है, बैठो ना। ये मेरे बचपन की दोस्त संजना। हेलो। हेलो। हमारी शादी में मैडम नहीं थी, अमेरिका गई थी पढ़ने। ओह दैट्स नाइस। यार तेरे हस्बैंड तो बड़े हैंडसम है। वो तो है। तुम आज कॉल सुन रही? आज संजना आ रही थी ना, तो मैंने सोचा छुट्टी ले लेती हूँ। ओह अच्छा अच्छा। आप भी थक गए हो, फ्रेश हो जाओ आप भी, और तुम भी खाना लगा। चलो इतने ऑफिसेस में जा जाके ना मैं बहुत थक गई, और यहाँ की ट्रैफिक भी ना बहुत हेक्टिक है। राहुल जी, If you don't mind, मैं एक ड्रिंक ले सकती हूँ? Sure, why not? तुम ड्रिंक करती हो? Yeah, sometimes. मैं ग्लास लेके आता हूँ। नहीं नहीं आप बैठिए ना, मैं ग्लास लेके आती हूँ। Okay. क्या हुआ? ड्रिंक बनाई ना? Cheers. प्रिया चली गई होगी ना? हाँ चली गई। मैं बहुत थक गई हूँ राहुल जी, कुछ आपका कुछ पता भी नहीं चल रहा। ये मुझे कैसे पता? संजना से पूछ लिया।
नहीं है, तुम्हारे पास है। मैं कब से इसे ढूंढ रही थी। राहुल जी आप ऑफिस ही जा रहे ना, मुझे भी प्लीज वहां छोड़ देंगे। हाँ चलो। ओके प्रिया बाय। तो ये सब हो रहा है मेरे पीछे से, मेरे बचपन की दोस्त और मेरा पति दोनों मिलके मुझे धोखा दे रहे हो। शक तो मुझे पहले से था।